भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जीवंत देखने को मिलती है, जहां आदि व्याधियों से पीड़ित लोगों को उनके परिवार वाले अपने मन में एक आस और बालाजी के प्रति असीम श्रद्धा लिए आते हैं। इन व्याधियों को आधुनिक भाषा में कहें तो नेगेटिव एनर्जीज, जो हर समय हर जगह मौजूद होती है। हमारे जीवन के नकारात्मक पहलू इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज का ही परिणाम होते हैं, और जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी मानव शरीर को अपना घर बना ले तो उससे जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उससे तो मृत्यु भी भली लगती है। लेकिन जब आपके रक्षक सकारात्मक ऊर्जाओं के महासागर स्वयं महाबली हनुमान हो तो फिर भय कैसा। अपने देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद वे या उनके परिवार के किसी सदस्य को नया जीवन मिला है। कुछ समय पहले इस विश्व प्रसिद्ध धाम में जाने का और बालाजी के दर्शन करने का सुअवसर मिला, लेकिन किसी भी साधारण यात्री की तरह मेरे मन में भी यही प्रश्न था कि यहाँ की ऐसी क्या महिमा है कि लोग दूर दूर से यहाँ इस तरह खींचे चले आते हैं। लेकिन हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब अनुभव में ही छिपे होते हैं। पीड़ितों की व्याधियां ऐसी भयावह कि पीड़ित लोग यहां स्थित हनुमान जी के मुखमंडल की छवि तक को सहन नहीं कर पाते। और ना ही मंदिर के पवित्र घंटियों की ध्वनियां सहन कर पाते हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चीत्कारें जब कानों में पड़ती हैं तो पूरा शरीर भय से सिहर जाता है। उनकी नानाविध मुद्राएं देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वे पीड़ित हैं जो डॉक्टर्स के हाथ खड़ा कर देने के बाद यहाँ बालाजी के शरण में पहुँचते हैं, और यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पीड़ा मुक्त होकर प्रसन्नता के साथ अपने घर लौटते हैं। ये ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ विज्ञान धर्म को चुनौती नहीं देता, बल्कि इस मंदिर की दहलीज पर नतमस्तक होकर महाबली हनुमान को दंडवत प्रणाम करता है। बालाजी का यह धाम जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से 109 किलोमीटर तथा बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ के महंतों के पूर्वज गणेश पुरी जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ मंदिर स्थापित कर उपासना करने और पीड़ितों की सहायता करने का आदेश दिया। इस तरह यहाँ मंदिर की स्थापना हुई, जहाँ बालाजी नित्य नए चमत्कारों से भक्तों को पीड़ा मुक्त करते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर इस मंदिर के संस्थापक गणेश पुरी जी महाराज का समाधि स्थल है, जहां भक्तों की लंबी कतारें इस स्थान के महत्व का डंका बजाती हैं। इस समय आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो समाधि स्थल है गणेश पुरी जी महाराज के। यहाँ पर जलेबी का भोग लगाया जाता है बाबा को मनाने के लिए, और यहाँ जो परकम्मा लगाता है उनकी मनोकामना पूर्ण की जाती है, और बालाजी का जल यहीं पे मिलता है। और जो भी कोई रोगी पीड़ित होता है उसे आराम मिलता है।
बालाजी के इस धाम में बालाजी तो प्रमुख देवता हैं ही, साथ ही यहाँ विराजमान प्रेतराज और भैरवनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये केवल मंदिर ही नहीं, यहाँ तो बालाजी की अदालत चलती है, जिसकी शुरुआत होती है बालाजी के प्रसाद के लड्डू से, जिसके ग्रहण करते ही पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार ही बदल जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे अपने सिर को घुमाना, जमीन पर लौटना, कहीं भी लटक जाना और भागते हुए पछाड़ खाकर गिरना। बालाजी की इस अदालत में भैरवनाथ अपराधी प्रेतों और बुरी आत्माओं को बंदी बनाते हैं। इन बुरी आत्माओं की सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है। उसके बाद उस बंदी को मंदिर में पीछे की तरफ पहाड़ी की गोद में बने प्रेतराज के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां इन बुरी आत्माओं को प्रेतराज सजा देते हैं। सच यही है कि भौतिक रूप से भले ही इन्हें कोई छूता तक नहीं हो, पर यहाँ पीड़ित जिस तरह छटपटाते हैं, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुरी आत्माओं के लिए प्रेतराज की ये दैवीय सजा पुलिस की थर्ड डिग्री से कम नहीं होगी। यदि आप बालाजी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है, जिन्हें आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये विज्ञान का भी नियम है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए यहाँ भी नेगेटिव ऊर्जा से पीड़ितों को तो मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वे ऊर्जाएं निकलकर यहाँ वातावरण में फैल जाती हैं। इसलिए यहाँ पीड़ितों से निकली अनगिनत नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को सुरक्षित रखना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। जब भी आप मंदिर से बाहर निकलें, तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर ना देखें। मंदिर के आसपास ना ही किसी से बात करें और ना ही किसी को छूने का प्रयास करें। जब भी आप यहाँ से वापस अपने घर जा रहे हैं, तो यहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान, यहाँ तक कि यहाँ का प्रसाद भी अपने साथ घर ना ले जाएं। मंदिर में मिला बालाजी का प्रसाद यहीं पर मंदिर में ही स्वयं ग्रहण करें और किसी भी अन्य को ना दें, और ना ही मुख्य मंदिर के अलावा किसी अन्य से प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, अब इस मंदिर के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ्या, ये केवल या तो पीड़ित लोग ही जान सकते हैं, या जिन्होंने उसे अनुभव किया है और जिन्होंने लोगों को पीड़ा मुक्त होते हुए देखा है, वे लोग ही जानते हैं। क्योंकि मानव स्वभाव हर विषय पर तर्क चाहता है, परंतु इस मंदिर का इतिहास साक्ष्य है कि मेहंदीपुर में हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो या कोई बीमारी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन बालाजी के दरबार में भक्त पागलपन, मिर्गी, लकवा और टीबी जैसी बीमारियों के समाधान के लिए भी आते हैं। और कमाल ये है कि श्री बालाजी की कृपा से उनका ये संकट भी शीघ्र ही टल जाता है। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहें? दोस्तों, यदि आपने इस मंदिर में ऐसा कोई चमत्कार देखा या अनुभव किया है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने विचार शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।